जीनियस न्यूज सच का साथी। केंद्र सरकार से कहेंगे, वही भी वहाँ भी कहा है कि अध्यादेश लाइए, कानून पारित कर दिए, कर दीजिए और मंदिर का निर्माण। या कोई राजनीतिक शिवसेना अपने आप को खाली मराठा पार्टी नहीं, पूरी हिंदुत्व पार्टी और पहले से शिवसेना हिंदुत्ववादी पार्टी है और ये बाला साहब ने कहा है उसका। पर सर, ये 2019 इलेक्शंस के आसपास में अगर ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं, जब मंदिर निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ, अभी 5 साल केंद्र में सरकार हिंदुत्व पार्टी की है और इसलिए अभी नहीं हुआ, 4.5 साल हुए, इसलिए उद्धव जी ने ये कहा है। देखिए, अभी वो ये तो बात उनको अपने पूछना चाहिए। हम लोग तो सबको सब चाहते कि साथ में सब लोग आए और ये पवित्र कार्य में सब लोग साथ हो जाए। क्या इसी बहाने शिवसेना यहाँ पे अपनी पकड़ मजबूत नहीं करना चाहती? देखो, शिवसेना इसमें कोई भी राजनीतिक मुद्दा या राजनीतिक फायदा उठाना नहीं चाहती है। ये पवित्र कार्य है, ये सभी लोगों का, करोड़ों देशवासियों का अस्मिता का मुद्दा है, ये आस्था का मुद्दा है और इसलिए हमें यहाँ श्रद्धा से यह कार्यक्रम करना है। इसमें किसी बात की हमें राजनीतिक फायदा उठाने का कोई भी हमारी मंशा नहीं है। देखो, वो तो उद्धव जी तय करेंगे, हमारे पक्ष प्रमुख जो है, ये जो निर्णय लेते हैं वो उद्धव जी लेते हैं, वो निर्णय लेंगे। हम तो कार्यकर्ता लोग हैं, हम उनके आदेश के अनुसार काम करने वाले लोग हैं। सिद्धे जी, ये कहा जा रहा था कि विनय कटियार को चीफ ट्रेनर लाने की कोशिश कर रहे थे, क्या ये? अभी मैंने फिर कहूँगा, यहाँ इस मुद्दे पर, राम मंदिर के मुद्दे पर हम कोई भी राजनीति नहीं करना चाहते। ये श्रद्धा का मुद्दा है, इसे श्रद्धा के साथ ही रखना है और इसलिए सभी लोग आ रहे हैं। अभी कई लोग आ रहे हैं, अभी पांडे जी यहाँ आए, उनको जब पता चला ये देखो पवित्र कार्य उद्धव जी कर रहे हैं, गलत फहमी दूर हो गई, सब साथ हो गए। तो ऐसे कटियार भी ऐसे ही आना चाहिए। अभी देखो, अभी हम लोग यही चाहते हैं, हम कोई भी राजनीतिकरण इसका नहीं चाहते पूरी।